अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो सिंपल इंग्लिश है उसको किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो जो हमारी आम जो बोलचाल होती है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो जो डेली की गपशप है उसमें आप इन टेंसेस को, इन बातों को, आप इंग्लिश की को बिल्कुल आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो आपके सामने ये कुछ जुमले दिए गए हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के हैं, तो इनको आप आसानी से बिल्कुल समझ कर देखेंगे, याद करेंगे, तो आपको जो आपकी ये नॉर्मल लाइफ है इसमें कभी भी आप गपशप के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के जुमले जो 6 हैं और इसकी तमाम अकसाम हैं वो 66 बयान की गई हैं। तो सबसे पहले तुम काम करते हो, यू वर्क, यू वर्क। तुम काम नहीं करते, यू डू नाट वर्क। क्या तुम काम करते हो, डू यू वर्क। क्या तुम काम नहीं करते, डू यू नाट वर्क, डोंट यू वर्क। तुम काम क्यों करते हो, वाई डू यू वर्क। तुम काम क्यों नहीं करते, वाई डू नाट यू वर्क। तो दोस्तों ये जुमला एक ही है लेकिन उसकी जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले वो कहता है कि तुम काम करते हो, यू वर्क। सेकंड में वो कहता है कि तुम काम नहीं करते, यू डू नॉट वर्क। तो ये जो है सेकंड, ये प्रेजेंट, जो फर्स्ट वाला वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, सिंपल है। सेकंड में ये प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव टेंस है, और जो थर्ड में वो सवालिया इंडेफिनेट है, इंटरोगेटिव। और जो फोर्थ है इसमें ये नेगेटिव है। और उसके बाद जो पांचवा है, तुम काम क्यों करते हो, तो इसमें ये उसकी ये दो चीज़ें हैं, इसमें इसने सवाल भी किया है और टेंस भी बोला है। और जो सिक्स्थ है उसमें कह रहा है वाई डू नॉट यू वर्क, इसमें वो कह रहा है कि उसमें सवाल भी कर रहा है और नेगेटिव भी है। ठीक, तो इसको आप इसके बाद ये नीचे इसको पढ़ लें एक दफ़ा आप, जो इसके अगले जो जुमला इसमें ये दी हुई है आप लोगों की आसानी के लिए, जो कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को आम ज़िंदगी में जिनकी इंग्लिश का पता नहीं होता है। तो सबसे पहले ये देखें, उसे झूठ बोलने की आदत पड़ रही है, शी गेटिंग यूज्ड टू लाइंग। मुझे फ़र्क रहने की आदत पड़ रही है, आई एम गेटिंग यूज्ड सीटिंग फ्री। हमें पढ़ने की आदत पड़ रही है, वी आर गेटिंग यूज्ड टू स्टडिंग। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ये कुछ अल्फाज मीनिंग्स हैं वर्ड्स के, जो कुछ नॉर्मल लाइफ में हमें इस्तेमाल करने को मिलते हैं लेकिन हम उनकी इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये सबसे पहले अब्सकास ये फोड़ा है, और उसके बाद ये मुख्तलिफ हैं, ये अक्सानिम इस्तेमाल करना, अकॉम्प्लिश पूरा करना, अकॉर्ड मर्जी, अकॉर्डिंग टू मर्ज़ी के मुताबिक, अकॉस्ट तो ये मुखातब है, अकाउंट हिसाब किताब। तो ये मुख्तलिफ हैं, ये आप जो आपको आसान लगें उनको आप पढ़ लें। यहाँ पे ये अब्यूज़ है, गाली देना, और अक्सीड ये एक्सेप्ट भी होता है, नहीं मंजूर करना, अबाइड मनाना, और यहाँ पे सबसे लास्ट में राइट पे अबैश शर्मिंदा होना। तो यहाँ पे शेम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है। और उसके बाद हाउ मच डू यू नाउ, तो यहाँ पे कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं ये उन लोगों के लिए जो मतलब के बड़ी अपर क्लासेस में भी होते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता है। किसी को पता होता है जो वुड का इस्तेमाल है, जो ख़ास मीनिंग्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको
یہ ماضی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی شرط رکھی ہو، کوئی خواہش ہو، اور یہ کاش کے لیے ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کاش کہ میرے پاس یہ چیز ہوتی، کاش وہ میرے ساتھ ہوتا، تو یہاں پہ یہ ہمیں وڈ کا مطلب کا پتہ چلے گا کہ وڈ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کاش میں امیر ہوتا، وڈ دیٹ آئی واز رچ، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے انگلش بتائی جا رہی ہے جو کہ دو چار کلاسز پڑھے ہوتے ہیں، جو نارمل زندگی میں انگلش سیکھنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو ان کے لیے، نہ کہ جو اپر کلاسز کے ان کے لیے، لیکن کچھ چیزیں اس میں ایسی بھی ہیں جو کہ اپر کلاسز کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی سیکھنے کے لیے ہیں۔ اس کے بعد جو یہ ونڈر کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کا استعمال بتا رہے ہیں، وہ حیرت سے میری طرف دیکھتا رہا، ہی کیپٹ لکنگ ایٹ می ان ونڈر، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اٹ از نو ونڈر، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہاں پہ اٹ از نو فیئر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ تم ابھی تک محفوظ ہو، اٹ از اے ونڈر دیٹ یو آر سیف، ٹھیک ہے دوست؟ اور اس کے بعد بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ واپس نہیں آیا، اٹ از ونڈر دیٹ ہی ڈڈ ناٹ کم بیک، تم بھی عجیب ہی ہو، یو آر اے ونڈر، مجھے تم پر تعجب ہے، آئی ونڈر ایٹ یو۔ اس کے بعد یہاں پہ لاسٹ میں فقرہ ہے، اس کا چرچا چند دن ہی رہے گا، اٹس نائن ڈیز ونڈر۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، جو اتنے زیادہ نہیں پڑھے، تو ان کو جو یہ لاسٹ والا فقرہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ جو اٹس نائن ڈیز ونڈر، تو یہ مشکل جملہ ہے۔ تو آپ لوگوں کو جو چیزیں اچھی لگیں، سادہ ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں، اور اس کو آپ چاہے رہنے دیں، جو لاسٹ والا جملہ ہے ان کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور جو اپر کلاس کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسے یہاں پہ جو نائن ڈیز آتا ہے، یہ کس طریقے سے آیا ہے۔ اس کے بعد کیا کمال ہو گیا ہے، واٹ آ ونڈر۔ تو آپ جو نارمل لائف میں، اور جو لوگ انگلش سیکھنے کے کافی شوقین ہوتے ہیں، تو جب کسی چیز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یار میں انگلش چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں انگلش بولوں، کہ کیا کمال ہو گیا اس کی مجھے انگلش آتی ہوتی، تو وہ جب کہیں گے واٹ آ ونڈر تو ان کو اچھا لگے گا۔ مجھے تمہارے یہاں ہونے پر کوئی حیرت نہیں ہے، آئی ڈونٹ ونڈر یو آر بینگ ہیئر، نہ جانے کیا ہوا تھا، نہ جانے ہوا کیا تھا، آئی ونڈر ویئر ریلی ہیپنڈ، نہ جانے وہ کہاں ہے، آئی ونڈر ویئر ہی شی از۔ اوکے، تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آئی ونڈر ویئر شی از، حالانکہ اس سائڈ پہ اردو میں وہ کہہ رہا ہے نہ جانے وہ کہاں ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ لڑکی ہے لڑکا ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں آئی ونڈر ویئر ہی از۔ اوکے، تو یہ انٹروگیٹیو سینٹینس ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دنیا کے سات عجوبے، سیون ونڈرز آف دا ورلڈ، اسے مجھے دیکھ کر حیرت نہ ہوئی، شی ڈڈ ناٹ ونڈر ٹو سی می، نہ جانے تمہیں کیا تکلیف ہے، آئی ونڈر واٹ ایلس یو، اس نے تو کمال ہی کر دیا، ہی ڈڈ ونڈرز، نہ جانے وہ کون آدمی ہے، آئی ونڈر وو دیٹ پرسن از، ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ نیور ونڈر، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اس نے استعمال کچھ عجیب سا لفظ کیا ہے، تو ہم یہاں پہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نیور ونڈر۔ تو یہاں پہ اس کا جو نیور ونڈر ہے، اس کی جگہ پہ ہم یہ بھی لگا سکتے ہیں، اٹ از دا ول آف گاڈ، ٹھیک ہے، کہ یہ خدا کی مرضی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد حیران کن کام انجام دینے والا لڑکا، ونڈر بوائے۔ تو جو ونڈر بوائے، اس کی انگلش تو ہے کہ حیران کن لڑکا،
हालांकि यहाँ पे पूरे लेखा भाई का अंजाम देने वाला लड़का काम, तो इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ना कि डिटेल्स है। और उसके बाद इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है, व्हाट डू यू वंडर, आप क्यों हैरान हैं। ओके, लेकिन ये जो इंग्लिश है और उर्दू है ये ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे दोस्त हैं जो ज़्यादा पढ़े नहीं हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी का बाइस बनती है। तो खैर, आपको जो इनमें सेंटेंसेस अच्छे लगते हैं, इजी लगते हैं, आप उनको याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट में गैप जमाई लेना, गैज टिकटिकी बांध कर देखना। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स हैं जो कि बहुत कम दोस्त जानते होते हैं, जो नॉर्मल रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स, जैसा कि जमाई लेते हैं हम, कोई शरीफ आदमी है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी चीज़ को जांचना क्या कहते हैं, और कोई बंदा बकवास कर रहा हो, कोई बुरा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हो, हमें उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, कोई बंदा जुआ खेलता है उसे क्या कहेंगे, इकट्ठा होना, लोग इकट्ठे होते हैं, कोई मसला मसाइल बनता है तो उन चीज़ों को क्या कहते हैं हम, कोई बंदा चाल चल रहा है ठीक है, अच्छी चल रहा है बुरी चल रहा है, तो हम उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। कुछ दोस्त होते हैं आपको पता है कि वो बहुत चाहते हैं कि शौक रखते हैं कि हमें भी इंग्लिश आए। तो सबसे पहले जो ये लफ्ज़ है गैप जमाई लेना, ही इज़ गैपिंग। ओके, तो अगर वो जमाई ले रहा है तो हम उसकी ये इंग्लिश करेंगे, ही इज़ गैपिंग, वो जमाई ले रहा है, जेंटल शरीफ। तो यहाँ पर जेंटल किसी, कोई भी आदमी जो शरीफ हो, अच्छा इंसान हो, अच्छे नेक काम करता हो, तो हम उसको शरीफ आदमी कह सकते हैं। तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी वो बनेगी ही इज़ अ जेंटलमैन, कि वो एक शरीफ आदमी है। आगे लफ्ज़ है गैच, जांचना, ठीक है। और उस इसकी जो इंग्लिश हम करेंगे कि मैं उस शख्स को जांच सकता हूँ, आई कैन जज दैट पर्सन। ओके, तो हम जज भी लगा सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से इन्होंने इंग्लिश ये आपको समझ नहीं आएगी, तो JUDGE, ठीक है, आप इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जज, आई कांट जज दैट पर्सन, आई कैन जज दैट पर्सन। ओके, मैं उस शख्स को नहीं जांचना चाहता, और या मैं उस शख्स को जांचता हूँ। और उसके बाद है गैब, बकवास करना, दैट पर्सन इज़ गैबिंग, वो इन आदमी बकवास कर रहा है। और उसके बाद गैम्बल, जुआ खेलना। तो इस ये सारे ऐसे, अब थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश जब आएगी ना तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये, इसका जो सेंटेंस है वो ये बनता है। उसके बाद ये गेट, चाल, ठीक है। उसके बाद है गार्गल, गरारा करना, गैस्चर, इशारा करना, गे, हंसमुख, गैबल, बक बक करना। और ये कुछ है गो, घोस्ट, भूत, आई सॉ ए घोस्ट, के मैंने भूत देखा, ज्ञान हासिल करना, योर ब्रोस आर अलाइक, तुम्हारे भाई एक जैसे हैं, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। ओके, तो ये आप बिल्कुल सिंपल सी इंग्लिश है, आप इसको देख सकते हैं, लाइक फादर लाइक सन, कि जैसा बाप है वैसा ही बेटा है, जैसा होटल वैसा खर्चा, लाइक होटल लाइक मनी, ठीक है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से जुमले हैं, तो आप अपनी जो ये नॉर्मल ज़िंदगी है आप उसमें इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपना जो ये आपका शौक है उसको भी पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो आपको पता है जितने बड़े बड़े लोग हैं ये कुछ भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इनको कोई 5, कोई 3, कोई 8, कोई 10, तो ऐसे होते हैं, सिर्फ उन लोगों में रह रह कर थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल बोल कर इनको इंग्लिश आ जाती है, तो आप लोग समझते होंगे पता नहीं ये कितना पढ़ा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद है मैं तुम जैसा नहीं हूँ, आई एम नॉट लाइक यू। ओके, उसके बाद तुम जिस तरह खाना पकाते हो वो नहीं पका सकती, शी कैन नॉट कुक फूड लाइक यू डू। मैंने ऐसी कमाल बात पहले नहीं सुनी, आई नेवर हर्ड द
ठीक दोस्तों, तो ये कुछ जुमले हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा था इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, जिन दोस्तों को इंग्लिश बोलने का शौक़ है तो वो इसको इजीली अपनी ज़िंदगी में इन जुमलों को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी दोस्तों के दरमियान अपनी जो इज़्ज़त है उसको भी मतलब अप कर सकते हैं। और वो उसके बाद है, ऐसी बात मत करो, डोंट टॉक लाइक दैट, इस तरह मत बात करो, इस तरह ना बोलो, वो जानवरों की तरह खाता है, ही ईट्स लाइक एनिमल्स। आप इन तमाम जुमलों को जब पढ़ेंगे तो आपको सही समझ आएगी, और जो आपकी नॉर्मल रूटीन है उसमें आप इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, इन सेंटेंसेस का, तो आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। उसके बाद ये कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स हैं, आप इनको पढ़ें और आप अपनी जो इंग्लिश है उसको बिल्कुल ठीक हो सकती है, ठीक कर सकते हैं आप। और ये लफ्ज़ हैं कुछ, इनको आप पढ़ें। उसके बाद ये माइंड लफ्ज़ है, ये बात अपने जहन से निकाल दो, टेक इट ऑफ योर माइंड। माइंड कहते हैं सोच को, इंसान की जो सोच होती है, कि डोंट माइंड, जैसे कहते हैं डोंट माइंड, मैंने गुस्सा नहीं किया, आई डोंट माइंड, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है, मुझे इस पर कोई गुस्सा नहीं है। तो ये लफ्ज़ आप पढ़ें। और उसके बाद आज मुझसे मेरे दिल की बात कह डालो, टुडे स्पीक योर माइंड मी, अपना ध्यान काम में रखो, पुट योर माइंड टू वर्क, देखना कहीं भूल ना जाना, माइंड दैट यू डू नॉट फॉरगेट। तो ये सिंपल सिंपल जुमले हैं, आप इसको याद करें और जहन शिन करें, और जो डेली की रूटीन है आपकी और उसमें तकरीबन इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और आपके तो कोई दोस्त है तो उनसे ज़्यादातर कोशिश करें कि आप इंग्लिश में बात करें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप उनको इंग्लिश में उनको बताएं और इंग्लिश में उनसे थोड़ी बात करें, चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज है, उर्दू है, पंजाबी है, जब डेली का आप इंग्लिश के वर्ड यूज़ करेंगे तो दो तीन महीने बाद आपकी इंग्लिश बिल्कुल सेट हो जाएगी। क्योंकि जिनको शौक़ होता है ये 100% बात ठीक है, जिनको शौक़ होता है वो सीख जाते हैं, तो जिनको शौक़ है वो इनको जुमलों को एक दफ़ा पढ़ेंगे उनको बिल्कुल याद हो जाएंगे। उसके बाद ये वर्ड्स हैं तो जहाँ, और ये थोड़ी मुश्किल हैं, आप इनको छोड़ दें, चिड़चिड़ापन और ये निंगल जाना, गलट, ठीक है, तो आप इनको छोड़ दीजिए, काफ़ी मुश्किल है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ जुमले हैं, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, आई कैन गिव यू एवरीथिंग, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, यू कांट गो फ्रॉम हेयर, क्या तुम यहाँ आ सकते हो, कैन यू कम हेयर, क्या मैं आपके अब्बू से बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू योर फादर। उसके बाद क्या तुम देख नहीं सकते, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, तो ये बात एक है, क्या तुम देख नहीं सकते, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, तो जुमला एक ही हालांकि, और देखें आगे कांट यू सी, तो देखें सिर्फ तीन जुमलों में उसने कितने जुमलों को क्लियर किया है, कांट यू सी, कैन नॉट यू सी, क्या आपको नहीं दिख रहा, क्या आप देख नहीं रहे हैं, मैं ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता, आई कांट सी दैट हैपनिंग। ओके, और उसके बाद है, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, हम कहाँ जा सकते हैं, वेयर कैन वी गो नाउ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू, ऐसा नहीं हो सकता, दैट कैन नाट बी डन, तुम्हारा मुकाबला नहीं किया जा सकता, यू कैन नाट बी कंपेयर्ड, क्या इंग्लिश 3 माह में सीखी जा सकती है, कैन इंग्लिश बी लर्न इन 3 मंथ्स, ये मरम्मत हो सकता है, इट कैन बी रिपेयर्ड, तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, यू कैन नॉट बी क्योर्ड, उसका कुछ नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी हेल्प्ड, उसका कुछ नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी हेल्प्ड। और प्यार पैसे से ख़रीदा जा सकता है, लव कैन बी बॉट विद मनी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है।
ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پیار پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اس کے بعد یہ لفظ کڈ یو پلیز، یہ لفظ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، کن کن جملوں میں استعمال ہوتا ہے، کون سی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ انہوں نے جملے دیے ہوئے ہیں، کیا آپ مجھے اپنا نام بتا سکتے ہیں، کڈ یو پلیز ٹیل می یور نیم، کیا آپ مجھے ہچکچاہٹ، کیا آپ مجھے عجائب گھر کا راستہ بتا سکتے ہیں، کڈ یو ٹیل می دا وے ٹو دا میوزیم، کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں، کڈ آئی یوز یور فون پلیز۔ اور آگے یہ جملے ہیں، کیا آپ مجھے جانے دے سکتے ہیں، کڈ یو لیٹ می گو پلیز، کیا میں آپ کی شرٹ دیکھ سکتا ہوں، کڈ آئی سی یو آر شرٹ پلیز۔ تو جیسا کہ یہ لفظ ہے، کیا میں آپ کی شرٹ دیکھ سکتا ہوں، کیا میں آپ کا قمیض دیکھ سکتا ہوں، کیا میں آپ کا موبائل دیکھ سکتا ہوں، تو جہاں پہ یہ لفظ شرٹ لکھا ہوا ہے، کڈ آئی سی یو آر شرٹ پلیز، تو جو یہ شرٹ ہے اس کی جگہ پہ آپ موبائل کا لکھ دیں، قمیض کا لکھ دیں، اور کوئی بھی چیز ہے، پینسل پین، تو اس کا آپ شرٹ کی جو پلیس اس کو چینج کر دیں، کین آئی سی یو آر شرٹ، اور کین آئی سی یو آر موبائل پلیز۔ تو جتنے بھی الفاظ جو آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں، صرف اس ایک جملے کو یاد کریں، اور جب آپ نے یہ لفظ بولنا ہو تو اس کے درمیان میں یہ لفظ استعمال کریں، کیا آپ ذرا دروازہ بند کر سکتے ہیں، کڈ یو پلیز شٹ دا ڈور، کیا میں یہاں سگریٹ پی سکتا ہوں، کڈ آئی اسموک ہیئر، کیا آپ میرے ساتھ جا سکتے ہیں، کڈ یو گو ود می۔ اس کے بعد لفظ کڈ، کیونکہ یہ تھوڑا مشکل اس کی ایکسپلینیشن ہے، یہ اس کا بھی کافی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اسپیشل انہوں نے جو لفظ تھوڑی مشکل ہیں ان کا استعمال بتایا ہوا ہے۔ یہ جو اپر کلاسز کے لوگ ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے بی اے کیا ہوا ہے یا ایف اے کیا، میٹر کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ میں اسے مار سکتا تھا، آئی کڈ کل ہم، جیسا کہ یہاں پہ میں اسے مار سکتا تھا، تو یہاں پہ تھا، حالانکہ جب کوئی ماضی میں چیز ہوتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے ماضی میں، تو وہاں پہ واز کا استعمال کرتے ہیں، میں اسے مار سکتا تھا، آئی واز کل ہم، ٹھیک ہے، تو آئی کڈ کل ہم، اس کا یہ استعمال ہوگا، میں اس کی بات نہ سن سکا، آئی کڈ ناٹ لسن ٹو ہم، مجھے افسوس ہے کہ میں کل نہ آ سکا، آئی ایم سوری آئی کڈ ناٹ کم، وہ مجھے نہ کر سکی، شی کڈ ناٹ ریفیوز می، ٹھیک ہے، تو وہ مجھے نہ کر سکی، مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے انکار نہیں کر سکی، تو شی کڈ ناٹ ریفیوز می، یا وہ مجھے انکار نہ کر سکا۔ کسی بھی چیز، آپ کسی کے پاس کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو انکار نہیں کرتا، تو آپ کسی دوسرے بندے کے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ اس نے مجھے کسی چیز سے انکار نہیں کیا، وہ مجھے نہ کر سکا، تو ہی کڈ ناٹ ریفیوز می، یا شی کڈ ناٹ ریفیوز می، اور لڑکی ہے تو شی، اور لڑکا ہے تو ہی کا استعمال ہوگا۔ اور اگر زیادہ بندے ہیں، وہ مجھے ہمیں انکار نہیں کر سکے، دے کڈ ناٹ ریفیوز اس، ہمیں کا جو انگلش ہے وہ اس میں آئے گا، اور ہم اسے حاصل نہ کر سکے، وی کڈ ناٹ گیٹ ہیم، یا اب یہاں پہ لفظ آتا ہے، جیسے یہاں پہ ہے ہم اسے حاصل نہ کر سکے، اور یہاں پہ آتا ہے کہ تم اسے حاصل نہ کر سکے، تو یو کڈ ناٹ گیٹ ہیم، میں اس کا مقابلہ نہ کر سکا، آئی کڈ ناٹ کمپیئر ود ہیم، ٹھیک، یہاں پہ اس نے کمپیئر لکھا ہوا ہے، یہ لفظ بالکل غلط ہے، تو یہاں پہ آئے گا کمپیئر، اوکے۔ تو اس کے بعد وہ ہماری مدد نہ کر سکا، ہی کڈ ناٹ ہیلپ اس، میں نے کوشش کی مگر کچھ نہ دیکھ سکا، آئی ٹرائیڈ بٹ کڈ سی نتھنگ۔ اس کے بعد یہ کڈ بی کا لفظ، یہ ورڈ کہاں بھی استعمال ہوگا، کڈ بی، تمہارا علاج نہیں ہو سکتا تھا، یو کڈ ناٹ بی کیورڈ، حالانکہ، اور یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا علاج ہو سکتا تھا، تو یہاں پہ اس کی یہ انگلش آئے گی، یو کڈ بی کیورڈ، اوکے۔ اس کے بعد ہے، مجھے ترقی دی جا سکتی تھی، آئی کڈ بی پروموٹڈ، اور جیسا کہ اب یہاں پہ ہم
देखते हैं कि उसका काम हो सकता है, हिज वर्क कुड बी डन। और उसके बाद ये मुकाबला जीता जा सकता था, दिस मैच कुड बी वन। उसे शिकस्त दी जा सकती थी, ही कुड बी डिफीटेड। और दरिया बगैर कश्ती के पार नहीं किया जा सकता था, द रिवर कुड नाट क्रॉस क्रॉस विदाउट अ बोट। अब यहाँ पे कुछ लोग दोस्त सोच रहे होते हैं कि जो ये ई डी है इसका इजाफा क्यों हुआ है, यहाँ पे क्रॉस आता है तो क्योंकि ये माजी का सीगा है, ये माजी का जुमला है तो इसमें ई डी का इजाफा इसलिए हुआ है। वैसे नॉर्मल में जैसे कि लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मैंने उसे क्रॉस कर लिया है, आई क्रॉस, ठीक है, या इसे क्रॉस करें, तो वो लफ्ज़ जो हम डेली में इस्तेमाल करते हैं, डेली में ना कि पास्ट में। जो चीज़ें पास्ट में होती हैं तो वो जो फेल पास्ट में हो जाता है उसके साथ ई डी का इस्तेमाल होता है या डी का। उसके बाद ये कुछ वर्ड्स हैं जिनकी उर्दू ट्रांसलेशन की गई है आपके सामने के लिए। और उसके बाद ये मेरे लिए एक बड़ी मदद है, इट्स ग्रेट हेल्प टू मी। वो हंसे बगैर नहीं रह सकती थी। तो ये कुछ जुमले हैं, आप इनको रीड करें, ये दफ़ा कैन नाट और कुड नाट हेल्प, और साथ वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म लगेगी। आप इनको देखें साथ में, जो ये उर्दू के जुमले हैं इनको एक दफ़ा रीड करें, और उसके बाद जो इंग्लिश के हैं उनको रीड करें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ इनको। ठीक है दोस्तों, आपने ये जुमले पढ़ लिए होंगे, तो अभी वो हंसे बगैर नहीं रह सकती, शी कांट हेल्प लाफिंग। मैं इसलिए आपको पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, मतलब आपने लफ्ज़ पढ़े नहीं होते हैं तो स्पीकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैंने ये कैसे बोलना है, ये हेल्प है जो पढ़ना है, ये हेल्प है, ये क्या लफ्ज़ है। जो ये लफ्ज़ आगे लाफिंग है तो कुछ दोस्त इसे लुग या हिंग मतलब ऐसे पढ़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने ये लफ्ज़ नहीं पढ़ा होता ना सुना होता है, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम दिक्कत होती है। तो शी कांट हेल्प लाफिंग, ठीक है। तो ये जो जी है ये अच्छा, ये जब ये मिलते हैं तो ये फेक की आवाज़ देते हैं और ये साइलेंट हो जाते हैं।
हम बोले बगैर नहीं रह सकते थे, हम बोले बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसकी जो इंग्लिश है वही वही कांट, हालांकि जो ये लफ्ज़ है ना कांट, ये लफ्ज़ कैन नॉट है, ठीक है। CAN, उसके बाद ये NOT, ठीक, नॉट। तो यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट लिखा हुआ है, वी कांट हेल्प स्पीकिंग, हम बोले बगैर नहीं रह सकते, मैं उससे शादी किए बगैर नहीं रह सकता, ठीक। तो लिखा है यहाँ पर सकती, तो हम तो मेल है ना, हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं सकती वाली को। तो आई कांट हेल्प मैरिंग हिम, आदमी उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। वन कैन नाट हेल्प प्रेजिंग इट, ठीक है। तो जहाँ पे ये वन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे मैन भी लिख सकते हैं और ही भी लिख सकते हैं कि वो उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता, वो रोए बगैर नहीं रह सकती। शी कांट हेल्प वीपिंग, मैं उसकी तरफ देखे बगैर नहीं रह सका। आई कुड नाट हेल्प, तो ये जो कुड नाट हेल्प है, तो इसका जो उर्दू ट्रांसलेशन वो यही है कि रह सका ना रह सका, तो ये इस यहाँ पे इस्तेमाल होता है। मैं उसके बगैर नहीं रह सका, मैं उसके बगैर नहीं खाना खा सका, मैं उसे देखे बगैर नहीं रह सका, तो इसका जो इंग्लिश है वो कुड नाट हेल्प है। मैं वहाँ जाने जाए बगैर ना रह सका, आई कुड नाट हेल्प, ये जो कुड नाट हेल्प है ये इस्तेमाल होता है इसमें, जो रह सका है इसके लिए कुड नाट। और उसके बाद है वहाँ वो हाँ किए बगैर नहीं रह सकी, शी कुड नाट हेल्प सेइंग यस, वो हाँ किए बगैर नहीं रह सकी। मतलब आप उन्होंने कोई उसे चीज़ मांगी होगी, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दोस्तों को समझ नहीं आती जुमलों की कि एक्चुअली जुमला था क्या। तो जैसे किसी ने कोई किसी से कोई चीज़ ली होगी, उधारी है या जैसे भी है, तो ये उस कंडीशन में। और यहाँ पे फिर ये कुछ इंग्लिश के मीनिंग्स हैं, एबिलिटी काबिलियत, और अब्जेक्ट जलील, अबलोशंस वज़ू, जो हम वज़ू करते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ये वो वज़ू है। और अब्रेड रगड़ना, किसी भी चीज़ को रगड़ना, कम करना अबेट, ठीक। तो ये कुछ अल्फाज हैं, इनको आप देख लें जो आपको इजी लगते हैं आसान लगते हैं। लास्ट में ये लफ्ज़ एक्यूरेट है, जिसका मतलब है दुरुस्त, बिल्कुल अच्छी अच्छे तरीके से, जैसे कि कोई काम कर रहा हो तो कहते हैं कि बिल्कुल उसने एक्यूरेट काम किया, यानी कि अच्छा काम किया है, दुरुस्त काम किया है। अब्रॉड कहते हैं बाहर के मुल्क को, और जो ये नफ़रत करना है इसे हेट भी कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, आप इसको ना भी याद करें, आप इसकी जगह पे हेट का इस्तेमाल कर लें, HATE है। और जो अब्रॉड लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जो बाहर का मुल्क है इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं आउट ऑफ कंट्री, भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाहर का मुल्क। तो कुछ ये जुमले हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और आप पढ़ना चाहें तो। उसके बाद लैंग्वेज नोट्स यूज्ड टू, ये लफ्ज़ बहुत अहम है, ये सीगा माजी के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पे, इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यूज्ड टू, मैं ये काम करता था, मैं क्या करता था, मैं खाना खाया करता था, तो यूज्ड टू का इस्तेमाल उस वक्त होता है। इसके बाद हमेशा इस सेंस में ING ही आती है। गेट यूज टू का मतलब है आदत पड़ जाना, मतलब कोई आदत होती है इंसान की, मैं वो काम करता था, मैं डेली स्कूल जाया करता था, तो ये भी एक आदत में ही हो शुमार होता है, मैं डेली काम के लिए जाता था। तो इसको ज़माना मुस्तकबिल में करने के लिए विल लगाते हैं, और माजी मतलक में गेट की दूसरी फॉर्म लगाते हैं, और जारी में गेट के साथ ING लगाई जाती है, लेकिन तमाम ज़मानों के अंदर इसके बाद फेल की पहली हालत ही आती है। उसके बाद ये कुछ वर्ड्स फिर आ गए हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त हैं सीखने के लिए, और काफ़ी अच्छे अल्फाज हैं, हालांकि यहाँ पे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो कि अपर क्लासेस के लोगों को भी तकरीबन नहीं आते हैं, वो नहीं जानते हैं
इन बड़े जो ये अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं। यहाँ पे गावा लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये कुछ लफ्ज़ इसको पढ़ते हैं गुआवा, ठीक है। तो ये लफ्ज़ गावा है, एक्चुअली ये जो एक्यूरेट लफ्ज़ है वो ये गावा ही इस्तेमाल होगा अमरूद के लिए। अमरूद को इंग्लिश में गावा कहते हैं। उसके बाद ये अंदाज़ लिखा हुआ है, तो ये लफ्ज़ मेरे ख्याल से इन्होंने अंदाज़ा लिखा था, जो कि गैस होता है। गैस के लिए जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि गैस पेपर, यानी कि अंदाजे के मुताबिक कौन से पेपर आएंगे, तो ये लफ्ज़ वो ये GUES, ठीक है। तो वो लफ्ज़ गैस है। यहाँ पे ये कुछ गलत लिखा गया है इनसे, मशीनरी ने छपाई इसकी गलत हो गई है। उसके बाद यहाँ पे लफ्ज़ है कसूरवार, मतलब कि जिसने गलती की हो, जिस पर इल्ज़ाम लगा हो गलती, ठीक है। उसके बाद है गल्प, निगल जाना। ग्राउंड, इज्जत, ठीक है। इसकी यहाँ पे आप लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल है, क्यों ग्राउंड को आमतौर पर मैदान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसकी जगह पे ग्राउंड का इस्तेमाल ना करें, आप यहाँ पे रिस्पेक्ट का इस्तेमाल कर लें, या लफ्ज़ ऑनर इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे लफ्ज़ ग्रो, उगना, जो खेतों में हम कोई चीज़ लगाते हैं तो जो उगती है उसको ग्रो कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ है गाय, लड़का, हालांकि लड़के को हम बॉयज़ भी कहते हैं, बॉय भी कहते हैं, तो गाय जो दोस्त फ्रेंड्स होते हैं उनको गाय का इस्तेमाल, गाय का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, गाइज, जमा जो इसकी जमा है वो गाइज है। उसके बाद है ये लफ्ज़ कुछ हैं और जो आपको इसमें इजी लगते हैं वो आप पढ़ लें और बाकी को आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये लफ्ज़ मे का है कि मे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, तो क्या मैं आपको पे कुछ पेश कर सकता हूँ, क्या मैं आपको कुछ पेश कर सकता हूँ, मे आई सर्व यू समथिंग। सर्व का मतलब होता है खिदमत करना, पेश करना, कोई भी चीज़ हाज़िर करना। और क्या मैं अब जा सकता हूँ, मे आई गो नाउ, ठीक है। तो मैं जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होता है सकता हूँ, ठीक है, सकता के लिए, मे बी हो सकता है, जैसा कि ये लफ्ज़ है मे बी हो सकता है। और उसके बाद क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ये इंटरोगेटिव है। और क्या मैं आपके अब्बू से मिल सकता हूँ, मे आई सी योर फादर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। तो आप लोगों में से कुछ लोग जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनको पता होगा, जब वो स्कूल जाते थे तो टीचर से इजाज़त लेते थे, मे आई कम इन सर, तो ये वो लफ्ज़ है। हालांकि वो स्पीक तो कर लेते थे लफ्ज़ को, बोल तो लेते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज तक पता नहीं चला कि वो लफ्ज़ एक्चुअली था क्या, उसकी स्पेलिंग क्या है, वो क्या वर्ड्स हैं, वो क्या सेंटेंस है। बोल सकते हैं लेकिन लिखने में उनको प्रॉब्लम आती है, उनको पता नहीं है कि एक्यूरेट लफ्ज़ क्या है। मे आई कम इन सर, कि क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये लफ्ज़ है जो हम कभी इस्तेमाल किया करते थे। और उसके बाद क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, मे आई यूज़ योर फ़ोन। और उसके बाद ये लफ्ज़ फिर एक और दफ़ा मे का इस्तेमाल हो रहा है, अल्लाह करे आप जल्द जल्दी अच्छे हो जाएं, मीन्स के सेहतमंद हो जाएं, ठीक हो जाएं, मे यू गेट वेल सून। और उसके बाद फिर सेकंड लास्ट में मे का इस्तेमाल हुआ है, इम्कान, मतलब के इम्कान हो सकता है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं, आई एम क्विट दिस जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मैं लाजमी लगाना फर्स्ट में, मैं आई एम क्विट दिस जॉब, ठीक है, हो सकता है कि तुम कामयाब हो जाओ, यू मे सुक्सीड, ठीक है। तो जब हम किसी से पूछेंगे कि आप कामयाब हो सकते हैं, मे बी यू सुक्सीड, ठीक है, यू विल बी सुक्सीड। तो उसके बाद लफ्ज़ है, हो सकता है कि वो मर जाए, ही मे डाई।
और हो सकता है कि वो बाहर हो, ही मे बी आउटसाइड। ठीक, तो ये कुछ अल्फाज हैं, ये बहुत इजी हैं, तो ये जो डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं, आप इनको सीख सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद ये लफ्ज़ मे बी आ गया है कि हो सकता है, यहाँ पे आप सेकंड में देख सकते हैं कि हो सकता है कि वो सो रहा हो, मे बी स्लीपिंग, ही मे बी स्लीपिंग। तो हम स्टार्ट से शुरू होते हैं, हो सकता है कि उसका ऑपरेशन किया जाए, शी मे बी ऑपरेटेड ऑन। ओके, तो यहाँ पे फिर उन्होंने लड़की का इस्तेमाल किया, तो हम यहाँ पे जब मर्द के लिए इस्तेमाल होंगे, इस्तेमाल करेंगे तो ही का इस्तेमाल करें, ही मे बी ऑपरेटेड ऑन। हो सकता है कि मेरा इम्तिहान लिया जाए, आई मे बी गिवन अ टेस्ट। उसके बाद शायद इमारत तामीर हो जाए, द बिल्डिंग मे बी बिल्ड। और ये आप इनको देखें। उसके बाद ये हो सकता है कि वो सो रहा हो, ही मे बी स्लीपिंग। हो सकता है कि वो मर रहा हो, ही मे बी डाइंग। तो उसके बाद है, हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो, इट मे बी हैपनिंग। ठीक है, और यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है इट सच मे बी हैपनिंग। तो सच के लिए, सच का जो लफ्ज़ है वो भी ऐसे के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद हो सकता है कि वो खेल रहे हों, दे मे बी प्लेइंग। हो सकता है कि वो जाग रहा हो, ही मे बी वेकिंग। तो ये कुछ अल्फाज हैं, ये बहुत इजी हैं और डेली के इस्तेमाल के लिए, डेली के इस्तेमाल में आते हैं। तो आप इसको डेली का 2 मिनट या 3 मिनट भी इस वीडियो को देखें तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद मे हैव, हो सकता है कि वो आ गया हो, ही मे हैव कम। हो सकता है वो आ गया हो। और उसके बाद है यहाँ पे मे हैव बिन, हो सकता है कि उसे गोली लग गई हो, ही मे हैव बिन शॉट शॉट। उसके बाद हो सकता है उसे कैद हो चुकी हो, ही मे हैव बिन प्रिजन्ड प्रिजन्ड। और हो सकता है कि वो जंग में मारा गया हो, ही मे हैव बिन किल्ड इन द वार। तो वार कहते हैं जंग को। उसके बाद ये मे हैव बिन लफ्ज़ हैं, हो सकता है कि वो सोता रहा हो, ही मे हैव बिन स्लीपिंग। तो ये कुछ लफ्ज़ हैं, उन्होंने इनकी हाइडिंग दी हुई है जिनको आप देख कर पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी आसानी के लिए चीज़ें हैं, आप जब भी कोई जुमला पढ़ेंगे या बोलेंगे हो सकता है तो आपको याद आ जाएगा फौरी तौर पर कि मैंने मे का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद है मे बी एबल टू, हो सकता है मैं वहाँ पहुँच सकूँ, आई मे बी एबल टू गेट देयर। ठीक है, तो ये फिर अल्फाज मीनिंग्स आ गए हैं, ये भी ज़बरदस्त हैं, आप इनको भी याद करें। बदबخت, हैपलेस, और इसको होपलेस भी कहते हैं, और ये खुश करना, हैप्पी। ये काफ़ी ज़बरदस्त मीनिंग्स हैं। और यहाँ पे ये लफ्ज़ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, सेकंड लाइन में हैग, चुड़ैल। और इसका अगर यहाँ पे जहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ पे हम यू लगा दें तो ये लफ्ज़ बन जाएगा हग। हग का मतलब होता है किसी को गले लगाना, और ये लफ्ज़ वाक्य यहाँ पे हैप लिखा हुआ है, लफ्ज़ ये हैपन है, आपने पढ़ा होगा पहले कभी। और उसके बाद यहाँ पे माइट, माइट ये मे की दूसरी फार्म है, माइट बी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें काम का इम्कान बहुत कम होता है। मे के इस्तेमालों में माइट लगा सकते हैं, मतलब जहाँ पे आपने मे लगाया हो वहाँ पे माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने उसे देख लिया होगा, ही माइट हैव सीन यू। ठीक है, और शायद उसने कोई गड़बड़ की हो, शी माइट हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, उसने कुछ गड़बड़ की हो। उसके बाद माइट बी एबल, इसको भी आप रीड करें। और ये हैड बेटर, बेहतर होगा अगर तुम खामोश रहो, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है,
आप इसको भी करें। उसके बाद ये विल है, ये मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल होता है तकरीबन, और ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, तुम वहाँ क्या करोगे, वाट विल यू डू देयर। और आप ज़रा मेरे सवाल का जवाब देंगे, और ये विल यू प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन, इसको भी देखें आप। फिर ये अल्फाज मीनिंग आते हैं, हैवी भारी को कहते हैं हैवी। ये काफ़ी अल्फाज पंजाबी ज़ुबान का भी है तकरीबन, और ये इस्तेमाल भी होता है, जैसे ये बहुत हैवी ट्रक है, हालांकि हम बहुत कम यूज़ करते हैं कि ये बहुत भारी चीज़ है, हम हैवी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये है उसके सामने हिंट, इशारा करना, और फिर उसके बाद है होल्ड, थामना किसी चीज़ को पकड़ना, इसको भी देखें आप। उसके बाद वुड दैट है, काश मैं कामयाब हो जाता, वुड दैट आई हैड सक्सीडेड, ठीक है। तो ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो वुड दैट है ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, आप इसको रीड करें। और उसके बाद फ्यूचर है, काश वो हाँ कर दे, वुड दैट शी सैड यस, ठीक है। तो ये फ्यूचर के इस्तेमाल है, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और उसके बाद आई विश, ये पास्ट, काश तुमने उसे से रिश्ता ना तोड़ा होता, आई विश यू आई हैड नॉट डन अवे विद हर। उसके बाद देयर का इस्तेमाल आम बोल चाल में, ठीक है। तो इसको आप देखें, ये भी काफ़ी डेली रूटीन में इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ पे देखें आप फ्यूचर, काश वो यहाँ आए, आई विश शी वुड कम हेयर, आई विश ही कुड कम हेयर। तो यहाँ पे आप जहाँ पे शी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ही लिख दें, तो जो माइनस है वो मुज़क्कर में तब्दील हो जाएगा, और जुमले को आप जिस तरीके से मर्ज़ी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये फिर और अल्फाज मीनिंग्स आ गए हैं, इनको देखें आप। और अब यहाँ पे है इफ़ का इस्तेमाल, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इफ़ अगर के जुमलों में इस्तेमाल होता है, अगर मैं पास हो जाता, अगर ये काम हो जाता, अगर मैं वहाँ चला जाता, ठीक है। तो ये देखें आप, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो वो मुझे मारेगा, इफ़ आई गो देयर ही शेल बीट मी। तो यहाँ पे ये डबल एल लिखा हुआ है, जो इसका एक्चुअल जो मीनिंग्स है वो शेल ही है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो ये शेल है लफ्ज़, SHALL, ठीक है, शेल। उसके बाद ये सारा एक ही तरीके का है, आप इसको रीड करें। और उसके बाद इफ़ आई वर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे थप्पड़ दे मारता, ठीक है। तो इफ़ आई वर है तो ये उसकी जगह होता तो इसके इस्तेमाल में आता है, ठीक है, उसी जगह पे। अगर मैं डॉक्टर होता तो उसका इलाज करता, इफ़ आई वर ए डॉक्टर आई हैड क्योर हिम, इसको देखें आप। और उसके बाद बियॉन्ड का लफ्ज़ है, बियॉन्ड परे का इस्तेमाल होता है, मतलब दूर के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद आप गेट, हासिल करना किसी भी चीज़ को, या कोई चीज़ ठीक हो जाना, अपनी असली हालत में आ जाना, तो उसमें भी गेट का इस्तेमाल होता है, गेट समथिंग डन, तो काम करवाना। तो इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, मैं रीड नहीं कर रहा, लेकिन आपको थोड़ा रिव्यू करवा रहा हूँ, ताकि आपको जब ये वीडियो मुकम्मल देखें तो आपको परेशानी ना हो। उसके बाद ये मेक है, मेक कोई चीज़ बनाना, ठीक है, किसी चीज़ को ठीक करना। तो सबसे पहले जो लफ्ज़ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट डज़ नॉट मेक अ डिफरेंस, ठीक है, तुम किस चीज़ के बने हुए हो, वाट यू आर मेड ऑफ। तो ये जो मेक है उसकी ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड में इस्तेमाल होती है, तो ये मेड उसकी दूसरी फॉर्म है। और तुम्हारी घड़ियाँ कहाँ की बनी हुई हैं, वाट मेक्स इज़ योर वॉच, ठीक है। और ये वेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद हैव, हैव का मतलब होता है रखना, किसी चीज़ का पास होना, आई हैव नॉट एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं रखता, ठीक है। और इसका जब पास्ट में इस्तेमाल होता है तो हैड इस्तेमाल होता है। और ये देखें आप, मैं कोई बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा, आई शैल हैव नो इंसल्ट, ठीक। तो कुछ लोग यहाँ पे जो लफ्ज़ इंसल्ट है इसको इंसल्ट बोलते हैं,
ठीक है, तो लफ्ज़ जो ठीक है वो ये वाला लफ्ज़ है, इंसल्ट। तो वो जो दूसरा लफ्ज़ जो आम रूटीन में लोग इस्तेमाल करते हैं इंसल्ट, तो वो इंसल्ट होता है जो कि हम मोबाइल के अंदर जो जैकेट होती है उसके अंदर जब सिम को लगाते हैं तो उसको कहते हैं सिम को इंसर्ट करें, सिम को इसके अंदर डालें, तो वो वाला इंसर्ट है। ठीक, ये इंसल्ट वो वाला है जो बेइज्जती होता है, और वो सिम को मोबाइल के अंदर डालना वो इंसर्ट है। इसलिए डिफरेंस काफ़ी अहमियत रखता है क्योंकि आम लोग इसको बहुत कम जानते हैं। और उसके बाद है ये मीनिंग्स हैं, इसको भी आप याद करें, ये काफ़ी सारे मीनिंग्स हैं, बहुत अच्छे हैं, जो आपको इजी लगते हैं इसमें उनको, जैसे ये इनकोरेक्ट लफ्ज़ है, गलत, ये इजाफा करना, इंक्रीज, इशारा करना, तो इंडिकेट, ठीक है, ये लफ्ज़ गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इंडिकेट का इस्तेमाल करें आप, इंडिकेट इशारा करना, और इंडिजेशन इंडिजेशन ये बदहजमी, ठीक है, इंडल्ज ये लफ्ज़ जो है मुलव्वस होना, यहाँ पे देख रहे हैं आप सातवीं जगह पे इंडल्ज, ठीक, मुलव्वस होना किसी भी काम में, अच्छे में या बुरे में मुलव्वस होना, तो ये इंडल्ज कहलाता है। ठीक है, तो उसके बाद है गैर तजर्बाकार, मतलब जिसको किसी चीज़ का तजर्बा ना हो, इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है, गैर तजर्बाकार, इनफेंसी शेर ख्वारगी यानी कि बचपन, इन्फेंट बच्चे को कहते हैं, और बाज़ अवक़ात इन्फेंट मदम चीज़ को जो कम हो उसको भी इन्फेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है इम्पैक्ट टक्कर, उसके बाद इम्पार्ट अदा करना किसी चीज़ को, किसी कोई किसी चीज़ का मिल जाना। उसके बाद है इम्पेशन नफसानी ख्वाहिशात, इम्पीरियल शाही, इम्प्लीकेट उलझाना, ये दलालत करना, इम्प्रेस मुतासर करना, इंक्वायरी दरियाफ्त करना, ठीक है, इंक्वायर की जगह हम डिस्कवर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन ये जलन होती है, इन्फ्लेमेशन का जो शोला का आग के लिए इस्तेमाल होता है, ये काफ़ी अच्छे लफ्ज़ हैं, इनको आप पढ़ें। यहाँ पे फिर वो लफ्ज़ इंसल्ट का आ गया है, इम्पैक्ट के सामने, टक्कर के सामने, इंसल्ट बेइज्जती करना, ठीक, तो ये इमिग्रेशन हिजरत करना, इमोरल गैर इखलाकी, जो मोरल होता है वो इखलाकी होता है, जो इमोरल होता है वो गैर इखलाकी होता है, और ये इम्यून, ठीक है, इम्यून महफूज, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त अल्फाज हैं, आप इनको भी आप याद करें। और यहाँ पे ये B2 होना, ठीक है, मुझे घर जाना है, आई एम गो टू होम, आई एम टू गो होम, ठीक है, मुझे घर जाना है, मुझे खत डालना था लेकिन मुझे भूल गया, आई फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर बट आई फॉरगॉट, ठीक है, तो आप इनको देखें, ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें। उसके बाद है हमारे पास ये, मैं सॉरी बैक आ गया था, तो बी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ठीक है, मैं कल लंदन जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो, सही, तो इसको आप देखें, इनको पढ़ें और इनको याद करें। फिर ये डोंट का लफ्ज़ आ गया सेकंड पे, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट यानी कि बाहर ना जाना, मेरी नकल मत उतारो, डोंट मिमिक, ठीक है, मिमिक मी, तो मेरी नकल मत उतारो इसकी, इसका आप, ज़रूरी नहीं है कि ये लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल है आप इसको इस्तेमाल ना करें, मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम पढ़ा है, तो आप यहाँ पे डोंट कॉपी मी, डोंट कॉपी ऑफ मी, ये भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कॉपी भी नकल के लिए इस्तेमाल होता है, और मेरी खुशामद मत करो, डोंट फ्लैटर मी, सही, तो आप इनको भी देखें, और ये फिर हमारे पास मीनिंग्स आ गए हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अल्लास उल्टा नाम, अलाइन गैर मुल्की, और ये उसके बाद ये सादा जो है इज़ आर एम वाज फर, ये फॉर्म्स हैं इसकी, ठीक है, इज़ नॉट इज़, ठीक है, यहाँ पे सवालिया, और ये सिंपल, और ये थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी बताया गया है,
लेकिन आप इनको छोड़ें क्योंकि आपको सादा इंग्लिश की ज़रूरत है, तो आपने सिर्फ उसी पर ध्यान देना है, इसके इन चक्रों में नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप ग्रामर में जाएंगे तो फिर वो काफ़ी काम लंबा हो जाएगा। तो आपने सिर्फ सादा सादा जो जुमले हैं उनको याद करना है। तो ये फिर अपीयर, दिखाई देना, एपीटाइट, भूख, और उसके सामने लफज है, अपीयर के सामने लफज है आर्म्स, ठीक है, आर्म्स उसका असल, ये आर्मी से निकला है, ठीक है, इसका मतलब है असला, अराइवल, आमद, आर्ट, फन। तो हैज़, हैव, हैड, विल हैव, तो इसका ये इस्तेमाल है मलकियत ज़ाहिर करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया कि हैव किसी चीज़ को और पास हो तो मलकियत के लिए ज़ाहिर होता है। कोई मैं चीज़ अपने पास रखता हूँ तो हैव का इस्तेमाल होगा। मेरे पास बहुत पैसे हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आई डोंट हैव मच टाइम, उसे अक्ल ही नहीं है, ही डज नॉट हैव सेंस। और क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं, डू नॉट यू हैव आइज़। तो जो हैव है वो रखने के मीनिंग्स में आता है, अगर आपके पास कुछ है या नहीं है। और उसके बाद ये कुछ जुमले हैं बहुत ही ज़बरदस्त, आप इनको देखें। और वांट टू, आई वाना गो नाउ, मैं अब चलना चाहता हूँ, आई वाना गो नाउ। तो यहाँ पे वांट का वांट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वाना लिखें, आप वांट भी लिख सकते हैं, तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वाना डू, ठीक है। ये सिंपल सिंपल जुमले हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। अब यहाँ पे ये जो जुमले हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं, ये हकीकत में डेली जो रूटीन है आपकी उसमें इस्तेमाल होते हैं। इज़, आर, एम, वाज, वर, ठीक है, मैं तुम्हारा अपना दोस्त हूँ, तो हम डेली रूटीन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहते भी हैं कि मैं तुम्हारा अपना दोस्त हूँ, आई एम यू आर ओन फ्रेंड्स, ठीक है, क्या आप यहाँ नए हैं। तो ये देखिए, आर यू न्यू हेयर, वो तुम्हारी कौन लगती है, वो शीज़ टू यू, ठीक है। तो आप इनको रीड करें, और उसके बाद यूज़ और इस्तेमाल, यूज़ योर हेड, अकल को हाथ मारो, किसी और चीज़ को इस्तेमाल में लाओ, यूज़ एनी थिंग एल्स, जहन पर ज़रा ज़ोर डालो, यूज़ योर विट्स, ओके। उसके बाद ये अल्फाज हमारे पास और भी काफ़ी हैं, लेकिन वीडियो इस हिसाब से बहुत लंबी हो जाएगी, मैं चाहता हूँ कि शॉर्टकट में मैं आपको समझा दूँ थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे ये लफ्ज़ एज़ का इस्तेमाल हुआ है, वो इतनी ही खूबसूरत है जितनी कि तुम्हारी सिस्टर या बहन, आप कह सकते हैं शी इज़ एज़ प्रिटी एज़ यू आर सिस्टर, ठीक है। तो वहाँ पर उसने ऐसा यस लगाया है, वो सिस्टर के लिए लगाया है। क्या तुम इतना तेज़ भाग सकते हो जितना कि मैं, कैन यू रन एज़ फास्ट एज़ यू मी, ठीक है। तो ये थोड़े जुमले मुश्किल हैं, आप इनको चाहे ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो सिंपल सिंपल हैं आपने सिर्फ वो करने हैं। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ इनफ़ आपको नज़र आ रहा है, ये लफ्ज़ इन ऑफ, इन ऑफ, ठीक है, काफ़ी के लिए इस्तेमाल होता है, मैं बस बहुत हो गई, दैट इज़ इनफ, मैं तुम्हारी बदतमीजी से तंग आ गया हूँ, आई हैव हैड इनफ ऑफ योर रूडनेस, उसका मुझसे जी भर गया है, शी हैज़ हैड इनफ ऑफ मी। आप इसका ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरा उससे दिल भर गया है, ठीक है, तो आई हैड इनफ ऑफ शी, ठीक है। तो आप इस तरह से इसकी जो उल्ट ट्रांसलेशन है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है गोइंग टू, अब वो सोने लगी है, शी इज़ गोना स्लीप नाउ, शी इज़ गोइंग टू स्लीप नाउ, आप ये भी कह सकते हैं वो सोने जा रही है, शी इज़ गोइंग स्लीप नाउ, तुम क्या करने लगे हो, वाट आर यू डूइंग नाउ। तो ज़रूरी नहीं कि जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो ही पढ़ना है आपने, क्योंकि इंग्लिश का काफ़ी सारे चेंज होते हैं जो आप खुद से ही कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑफ़ का इस्तेमाल है, ऑफ़ का मतलब होता है काकी के में ऑफ़ का इस्तेमाल होता है, अपनी बात कभी नहीं करेगा, ही नेवर स्पीक ऑफ हिमसेल्फ, तो जो ऑफ है वो काकी के इस्तेमाल में आता है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है,
फाउंड ऑफ कहते हैं शौकीन को, ठीक है, किसी चीज़ का शौक़ रखना। मुझे इंग्लिश बोलने का शौक़ है, आई एम फाउंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो जिन दोस्तों को, जिन लोगों को इंग्लिश बोलने का शौक़ होगा वो इस वीडियो को देखेंगे मुकम्मल तौर पर, क्योंकि इसमें बहुत सादे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और बहुत सादा से सेंटेंसेस जुमले इस्तेमाल किए गए हैं जो कि इंग्लिश सीखने में काफ़ी रहनुमाई करेंगे आपकी। तो ये इनसाइड, इसका मतलब मीन्स होता है कि अंदरूनी साइड पे अंदर की बात बताना, अंदर का काम। तो अंदर की बातें कोई नहीं जानता, नो वन कैन नाउ व्हाट्स इनसाइड ऑफ समवन, कि किसी के अंदर क्या है कोई भी नहीं जानता, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर और नाइदर और नोर का इस्तेमाल है। यहाँ ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और का इस्तेमाल है, वो और लिखा हुआ है। तो और के मीन्स होते हैं या, ठीक है, या वो या मैं, ठीक है, डू ही और डू आई, डू ही और आई, ठीक है। तो या ये नज़दीक है या कि 303 मील दूर, इज़ इट नियर और 3 माइल्स अवे। और उसके बाद आई थिंक का मतलब होता है कि मुझे सोच है, मेरा ख्याल है, मुझे समझ आ रही है, ठीक है। तो सेम का मतलब होता है कि कोई चीज़ नज़र आना, कोई चीज़ लगना, जैसा कि तुम पागल लगते हो और तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हो, इट सीम्स यू आर ए वेरी गुड मैन, ठीक। तो सेम का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं आप। और उसके बाद है ये इवन कहते हैं, हत्ता के, या कभी भी, आप इसको पढ़ें और देखें। येट कहते हैं अभी, उसने अभी तक इंग्लिश नहीं सीखी, ही डिड नाट लर्न इंग्लिश येट, ठीक है। तो येट जो आप कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो येट का मीन्स होता है भी। तो जैसा कि मैंने भी काम किया है, जैसा कि अभी तक उसने काम नहीं किया, येट ही नाट डिड वर्क, तो उसने अभी तक काम नहीं किया। स्टिल का मतलब होता है अभी तक।